मेघना आर्यन सीमा, हाउ आर यू बेटा? यस, आई होप ऑल आर फाइन। यस स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू लेसन नंबर 8, कीपिंग हेल्दी। ओके, उसके हम हार्ड वर्ड्स करेंगे आज। उससे पहले मैं आपको एक बार लेसन फिर से रिपीट कर देती हूँ, लेसन रीड कर देती हूँ। जिन बच्चों को अगर कुछ मिस्टेक कुछ रह गया हो, मिस हो गया हो, तो एक बार ध्यान से सुन लेंगे। उसके बाद मैं आपको हार्ड वर्ड्स लिखाऊंगी। ओके, सबसे पहले तो डेट देख लें आप, 22nd September, क्लास 2nd, सब्जेक्ट TVS। ओके, नाउ लेसन नंबर 8, कीपिंग हेल्दी। पेज नंबर मैं आपको बता रही हूँ, आप भी ओपन करेंगे। पेज नंबर 38, यस, आप पेज नंबर 38 ओपन करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 38 ओपन करेंगे। कैसे ओपन है? ओपन योर बुक बेटा, सभी बच्चे बुक ओपन कर लो अपनी। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ओके, ओपन हो गई सबकी बुक। नाउ वी विल स्टार्ट। एक बार मैं लेसन दोबारा रीड कर रही हूँ, रीड करने के बाद फिर आपको हार्ड वर्ड्स उसके लिखवा देंगे। ओके, स्टार्ट करें। यस, पेज नंबर 38। आपकी फिंगर भी आप बुक में रखेंगे, सभी बच्चे फिंगर रख के मैम के साथ साथ रिपीट करेंगे। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एवरी डे। हमें हर एवरी डे मीन्स हर रोज अपनी बॉडी की टेक केयर मीन्स ध्यान रखना चाहिए। टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी रखने के लिए वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ गुड हैबिट्स। हमें गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतों के रूल्स फॉलो करने होंगे, वी शुड करने चाहिए। वी शुड ईट हेल्दी फूड। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए यानी कि जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो, हमारे लिए हेल्थी हो, उसे खाना चाहिए। उसमें हेल्दी फूड में कौन सी चीजें आ जाती है? दाल, राइस, रोटी, ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके, ये सब। टेक प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। रिमेन क्लीन, अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। डेली एक्सरसाइज, कीप अस फिट एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। डेली एक्सरसाइज करने से हम बीमारियों से फ्री रहते हैं, मतलब दूर रहते हैं और एकदम फिट रहते हैं। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, फूड फॉर हेल्थ। फूड इज बेसिक नीड ऑफ एवरी लिविंग थिंग। फूड हमारी एक प्राथमिक जरूरत है एक हर लिविंग थिंग की। फूड हेल्प अस टू ग्रो। फूड हेल्प हमें ग्रो होने में यानी कि बढ़ने में हेल्प करता है। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। यह हमें काम करने में और खेलने में एनर्जी देता है। इट कीप्स अस हेल्दी एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। यह हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। हियर आर सम रूल्स ऑफ गुड फूड हैबिट्स टू रिमेन हेल्दी। यहाँ पर कुछ अच्छी गुड फूड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें, खाने की जो अच्छी आदतें हैं उनके बारे में दिया गया है जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहले है ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट खानी चाहिए हमें। अवॉइड ईटिंग जंक फूड। जंक फूड से दूर रहना चाहिए, कम खाना चाहिए जंक फूड। ड्रिंक प्लेनिटी ऑफ वाटर, ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, ज्यादा खाना नहीं, भूख से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, पेज नंबर 39। प्रॉपर रेस्ट। वी शुड टेक अ प्रॉपर रेस्ट इन आवर डेली वर्किंग लाइफ। हमें अपनी डेली वर्किंग लाइफ में प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए, करना चाहिए। वी शुड स्लीप फॉर एट लीस्ट 8 hours एवरी नाइट। हमें हर रात रात को कम से कम मिनिमम 8 hours की नींद लेनी चाहिए। इट गिव्स अस रेस्ट टू आवर बॉडी। यह हमारी बॉडी को रेस्ट देता है, आराम देता है। इट ऑल्सो मेक्स अस फ्रेश एंड एक्टिव। यह हमें फ्रेश यानी कि तरोताजा और एक्टिव रहने में हेल्प करता है, बनाता है या कुछ। रिमेन क्लीन, नेक्स्ट है बेटा, रिमेन क्लीन यानी कि साफ सुथरा रहना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन क्लीन इफ वी वांट टू बी हेल्थी। अगर हम हेल्थी रहना चाहते हैं तो हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, रहना होगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट क्लीन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमें अपनी बॉडी के एवरी पार्ट यानी कि हर एक पार्ट को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। अभी फर्स्ट नंबर देखेंगे, ब्रश योर टीथ एवरी डे। डेली आपको ब्रश करना चाहिए, बिल्कुल आपको ट्वाइस अ टाइम
यानी कि ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में भी और रात को सोने के पहले भी आपको करना है। टेक अ बाथ डेली, डेली नहाना चाहिए। कीप योर नेल्स क्लीन, आपको अपने नेल साफ रखने चाहिए। यूज अ हैंडकरचीफ एंड टू क्लीन योर नोज, आपको नोज क्लीन रखने के लिए आप ये करचीफ किसे बोलते हैं, रुमाल को, एक रुमाल रखना चाहिए, उससे नोज क्लीन करनी चाहिए। कॉम्ब योर हेयर एंड ऑयल दैम, अपने हेयर यानी कि कॉम्ब यानी कि कंघी करनी चाहिए, उनमें ऑयल लगाकर कंघी करना चाहिए। वियर क्लीन क्लोथ्स एंड कीप देम टाइडी, और अच्छे से साफ सुथरे नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। अब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली एक्सरसाइज कीप्स आवर माइंड एंड बॉडी एक्टिव एंड हेल्दी। जो डेली की एक्सरसाइज है वो हमारे बॉडी और माइंड को एक्टिव और हेल्दी बनाती है। सच एज, अब जैसे कौन कौन सी एक्सरसाइज है उनके नेम आ रहे हैं, स्कीपिंग, मेडिटेशन, वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग, एरोबिक्स एक्सेट्रा, ये सभी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और गुड एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ, ये सभी एक्सरसाइज हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। नीचे भी आपको पिक्चर के साथ ही एक्सरसाइज के नेम दिए गए हैं। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। देर आर सम हेल्दी अनहेल्दी हैबिट्स, अवॉइड देम। यहाँ पर कुछ अनहेल्दी हैबिट दी गई हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, अनहेल्दी जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। सिटिंग टू क्लोज द टेलीविजन, टेलीविजन के पास बिल्कुल पास में बैठना, ठीक है ना, इसको अवॉइड करना है, टेलीविजन के बिल्कुल पास में नहीं बैठना चाहिए। ईटिंग टू मच फास्ट फूड, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाना, इसको भी अवॉइड करना चाहिए, यानी कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वॉकिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में देर से उठना है ना, देर से नहीं उठना चाहिए मॉर्निंग में भी हमको। स्लीपिंग लेट नाइट, देर से रात को देर से सोना, रात को देर से नहीं सोना चाहिए बल्कि टाइम से सोना चाहिए। आप टाइम से सोओगे तभी मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे। ईटिंग विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स, बिना हाथ धोए खाना खाना है ना, उसको भी अवॉइड करना है। अवॉइड मीन्स उसको नहीं फॉलो करना, उस आदत को। तो आपको कैसे खाना खाना है, आपको खाना खाने से भी पहले हाथ धोने हैं और खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करने हैं, ओके। अब है गुड पोस्चर। गुड पोस्चर इज एन इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू वे इम्पोर्टेंट वे टू मेंटेन अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। गुड पोस्चर, पोस्चर क्या होते हैं, हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे सोते हैं, हम कैसे खड़े होते हैं, ये सभी पोस्चर में आते हैं। तो हमारी अच्छी हेल्थ के लिए हमारे गुड पोस्चर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी और हमारे माइंड को हेल्दी रखते हैं। व्हेन यू प्रैक्टिस करेक्ट पोस्चर, जब आप अच्छे पोस्चर की प्रैक्टिस करते हैं, योर बॉडी इज इन पोजिशन विद इटसेल्फ, आपकी बॉडी अच्छी पोजिशन में रहती है। दिस कैन इम्प्रूव कॉमन प्रॉब्लम्स सच एज बैक और नेक पेन, हेडेक एंड फैटिक, तो ये सभी इन चीज बीमारियों से दूर रहते हैं। जैसे नेक पेन यानी कि गर्दन का दर्द, हेडेक यानी सिर दर्द, फैटिक यानी जो ज्यादा मोटापा, इन सब से प्रॉब्लम से दूर रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी हो गया आज का लेसन। अब हम करेंगे हार्ड वर्ड्स, क्या करेंगे, हार्ड वर्ड्स, ठीक है ना। अब दो तीन बार आपका लेसन मैंने रीड करा दिया है, अब मैं हार्ड वर्ड आपको लिखवा रही हूँ। हार्ड वर्ड मैम बोल के लिखवाएंगी, आप भी मेरे साथ ही रिपीट करना, ओके, ठीक है। हार्ड यस, हाफ हाफ करके लिखूंगी, 25 हार्ड वर्ड लिखे हैं मैंने, तो हाफ हाफ करके लिखेंगे इसको, ओके। नंबर वन, ठीक है, हेल्दी, HELTHY, हेल्दी, HELTHY, हेल्दी। नंबर दो, स्ट्रोंग, STRONG, स्ट्रोंग। नंबर थ्री, मैं फिर से रिपीट करूंगी, फॉलो, SOLLOW, फॉलो। नंबर फोर,
हैबिट्स, HABITS, हैबिट्स, एक्सरसाइज, ERCISE, एक्सरसाइज। सिक्स है डिजीज, DISEASES, डिजीजेस। नंबर सेवन रिमेन, REMAIN, रिमेन। दिखाई दे रहा है ना इतना? आगे लिखते हैं मैं नंबर है। अभी पहले 15 कराऊंगी, फिर बाद में कराऊंगी। नंबर एट प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर। नंबर नाइन एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। नंबर टेन बैलेंस, BALANCE। नंबर इलेवन प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी। नंबर ट्वेल्व ओवर ईट। अब आप दो तीन बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, पहले हम इतना करते हैं, उसके बाद आगे 12:13 हो रहा है, वो मैं इसके बाद रिपीट करूंगी इसको रब करके, इससे पहले हमें इनको रिपीट करेंगे, ठीक है? अब मैं इनके साथ रिपीट करेंगे, ओके? ठीक है बेटा, मैम के साथ रिपीट करेंगे, ओके है मैम? स्टार्ट करें। HEALTHY, हेल्दी। यस, फिर से रिपीट करेंगे, HEALTHY, हेल्दी। STRONG, स्ट्रॉन्ग। नंबर टू पर लिखेंगे, ध्यान देंगे, अभी सुनेंगे आप, ठीक है ना? STRONG, स्ट्रॉन्ग। STRONG, स्ट्रॉन्ग। थ्री FOLLOW, फॉलो। यस, फिर से रिपीट करेंगे, FOLLOW, फॉलो। HABITS, हैबिट्स। HABITS, हैबिट्स। नंबर फाइव एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज। EXERCISE, एक्सरसाइज। सिक्स डिजीज, DISEASES, डिजीजेस, ठीक है ना? बीमारियां है ना, DISEASES, डिजीजेस। नंबर सेवन REMAIN, रीमेन। REMAIN, में रीमेन, ठीक है ना? कैसे स्पेलिंग बनाते हैं ना, REMAIN, रीमेन। नंबर एट PROPER, प्रॉपर। PROPER, प्रॉपर। नाइन ENERGY, एनर्जी। ENERGY, एनर्जी। टेन BALANCE, बैलेंस। BALANCE, बैलेंस। PLENTY, प्लेंटी। PLENTY, प्लेंटी। ट्वेल्व ओवर ईट, OVER, ओवर ईएटी, ईट। ओवर ईट, OVER, ईएटी, ओवर ईट। OVER, ईएटी, ओवर ईट।
एक बार आप सभी इसको देखेंगे, फिर मैं नेक्स्ट वाले लिखाऊंगी। यस स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड, एक बार ध्यान से देखेंगे इसको, फिर नेक्स्ट वाले हार्ड वर्ड्स कराते हैं। अभी 12 कराए मैंने, 13 तो और अभी बाकी, तो एक बार आप इनके देख लेंगे मिनट के लिए। यस अरिहंत, भुवनेश, दिव्यांशी, हेमंत, मानसी, सबको दिखाई दे रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं देखने हैं बेटा? बैलेंस भी हो सकता है, बैलेंस्ड भी हो सकता है, ठीक है ना? बैलेंस भी लिख सकते हैं हमने, बैलेंस्ड भी लिख सकते हैं, तो दोनों भी लिख सकते हैं। ओके, हाँ हमने बैलेंस लिखा है, बैलेंस्ड भी लिख सकते हो आप। बैलेंस्ड का मीनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है ना, और बैलेंस का मीनिंग अलग हो जाएगा। देख रहे हैं ना सभी? कर दे रहा अब इसको, नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट पर्सन, ट्वेल्व हो चुके थे, 13 तक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है हर लेसन में आ जाता है ना। IMPOR4TANT, टेंट इम्पोर्टेंट। हैंडकरचीफ 14 पर, हैंडकरचीफ HANDY, हैंड KERCHIEF, चीफ, ठीक है ना, हैंड कर चीफ, हैंकर चीफ, क्या बोला जाता है इसको वैसे? हैंकर चीफ। हैंकर चीफ किसे कहते हैं? रुमाल को, आप रुमाल रखते हैं ना अपने पास अपने हैंड नोज क्लीन करने के लिए, हैंकर चीफ। 15, टाइडी, TIDY, टाइडी। नंबर 16, मेडिटेशन, MEDITATION, मेडिटेशन। 17, एरोबिक्स, AEROBICS, एरोबिक्स, ठीक है ना, मेडिटेशन एरोबिक्स। 18th नंबर है एक्टिव, एक्टिव। नाइनटीन्थ नंबर जॉगिंग, JOGGING, जॉगिंग। ट्वेंटीएथ इम्प्रूव, IMPROVE, इम्प्रूव। IMPROVE, प्रूव, इम्प्रूव, है ना। 21st पोस्चर, POSTURE, पोस्चर।
ट्वेंटी सेकेंड प्रैक्टिस, पी आर ए सी टी आई सी ई, प्रैक्टिस। ट्वेंटी थर्ड सी ओ डबल एम ओ एन, कॉमन, सी ओ डबल एम ओ एन, कॉमन। ट्वेंटी फोर्थ अवॉइड, ए वी ओ आई डी, अवॉइड मीन्स अनदेखा करना, ठीक है ना, अवॉइड आया था ना, अनहेल्दी हैबिट्स को अवॉइड करना। ट्वेंटी फिफ्थ प्रॉब्लम्स, पी आर ओ बी एल ई एम एस, प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारे 25th के 25th थर्ड वर्ड, अब मैं इनको फिर से रिपीट करूंगी, ओके आप भी मैम के साथ रिपीट करेंगे। आई एम पी ओ आर टी एन टी, इम्पोर्टेंट, रिपीट अगेन, आई एम पी ओ आर टी एन टी, इम्पोर्टेंट। 14th H A N D K E R C H I E F, handkerchief, H A N D K E R C H I E F, handkerchief। 15th T I D Y, tidy, T I D Y, tidy। 16th meditation, M E D I P A T I O N, meditation, M E D I P A T I O N, meditation। 17th aerobics, A E R O B I C S, aerobics, repeat kar rahi hu, A E R O B I C S, aerobics। 18th A C T I B E, active, A C T I B E, active। 19th J O double Z I N G, jogging, 19th J O double Z I N G, jogging। J O double G I N G, jogging। 20th I am P R O V E, improve, I am P R O V E, improve। 21st P O S T U R E, posture, 21st P O S T U R E, posture। 22nd practice, P R A C T I C E, practice, P R A C T I C E, practice। 23rd C O double M O N, common, C O double M O N, common। 24th A V O I D, avoid, A V O I D, avoid। 25th P R O B L E M S, problems, yes, repeat again, P R O B L E M S, problems। अब एक बार मैं सारे रिपीट कर देती हूँ, 1 to 25th है ना, आप एक बार फिर सारे देख लेंगे। सबसे फर्स्ट है हेल्दी, एच ई एल डी एच वाई, हेल्दी, यस, एच ई एल डी एच वाई, हेल्दी। सेकंड एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रॉन्ग, एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रॉन्ग। थर्ड फॉलो, F O double L O W, follow, F O double L O W, follow। Fourth
HABITS habits. HABITS habits. Fifth, EXERCISC exercise. EXERCISC exercise. Sixth, DISEASES disease. DISEASES disease. रिपीट कर रहे हैं ना सभी मैम के साथ? रिपीट कर रहे हैं? ओके. सेवेंथ, रिमेन. REMAIN, रिमेन. REMAIN, रिमेन. एट, प्रॉपर. PROPER, प्रॉपर. PROPER, प्रॉपर. नाइन्थ, एनर्जी. ENERGY, एनर्जी. ENERGY, एनर्जी. टेंथ, बैलेंस. BALANCE, बैलेंस. BALANCE, बैलेंस. इलेवेंथ, PLENTY, प्लेंटी. PLENTY, प्लेंटी. ट्वेल्थ, OVEREAT, ओवर ईट. OVEREAT, ओवर ईट. थर्टींथ, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट. IMPORTANT, इम्पोर्टेंट. फोर्टींथ, HANDKERCHIEF, हैंडकरचीफ. HANDKERCHIEF, हैंडकरचीफ. फिफ्टींथ, TIDY, टाइडी. TIDY, टाइडी. सिक्सटींथ, MEDITATION, मेडिटेशन. MEDITATION, मेडिटेशन. सेवेंटींथ, एरोबिक्स. AEROBICS, एरोबिक्स. AEROBICS, एरोबिक्स. एटींथ, ACTIVE, एक्टिव. ACTIVE, एक्टिव. नाइनटींथ, JOGGING, जॉगिंग. JOGGING, जॉगिंग. ट्वेंटीथ, IMPROVE, इम्प्रूव. IMPROVE, इम्प्रूव. ट्वेंटी फर्स्ट, पोस्चर. POSTURE, पोस्चर. ट्वेंटी सेकेंड, प्रैक्टिस. PRACTICE, प्रैक्टिस. ट्वेंटी थर्ड, कॉमन. COMMON, कॉमन. COMMON, कॉमन. ट्वेंटी फोर्थ, AVOID, avoid. AVOID, avoid. 25th, PROBLEMS, problems. PROBLEMS, problems. Yes, Mansi? हाँ, tomorrow करेंगे exercise इसकी. हम tomorrow करेंगे. Tomorrow means next class, okay? Day after tomorrow, okay? अभी आप एक बार एक मिनट के लिए इनको देखो. एक मिनट का टाइम आप लोगों के पास, आप देख सकते हैं इनको, देख लेंगे एक बार. ठीक है, 25 तक हार्डवर्ड आपको पढ़ दिए मैंने, रीड किए आपको, रिपीट करवाए हैं.
ये सभी हार्ड वर्ड आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, ओके इसमें करने हैं फेयर नोटबुक में। और सबसे पहले आप लिखेंगे लेसन नंबर 8 कीपिंग हेल्दी पेज नंबर, हार्ड वर्ड्स लिख के सारे 25th के 25th हार्ड वर्ड लिखेंगे, आपको क्लास ग्रुप में सेंड कर देंगे, उसमें से देख कर लिखना। ओके ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके बेटा।